दुर्गापुर क्षेत्र के चंद्रपुर सुपर पावर स्टेशन में मेजर गेट के नायर पेट्रोल पंप के पास कुख्यात अपराधी महेश मेशराम उम्र 32 की घातक शस्त्रों से बेरहमी से हत्या कर दी गई है। हमलावर इतने आक्रामक थे कि उन्होंने महेश की गर्दन काट कर रास्ते पर फेंक दी और प्रत्यक्षदर्शी ने दबी आवाज में कहा, सभी आरोपी कटे हुए सर के साथ फुटबॉल जैसे खेल रहे थे। सोमवार की रात करीब 10:45 पर महेश मेशराम अपने घर जा रहा था। आरोपी दबिश देकर इमली बार के पास महेश मेशराम का इंतजार कर रहे थे। देखते ही महेश पर घातक हथियारों से हमला कर धड़ से सर काट कर अलग कर दिया। खुद महेश मेशराम को ख्यात अपराधी है और उसके खिलाफ कई गंभीर अपराध भी दर्ज है। अपराधी और मृतक महेश का कुछ दिन पहले मामूली विवाद में झगड़ा हुआ था। महेश ने उस वक्त हत्या में शामिल आरोपियों को बुरी तरह से मारा था। उसी दिन से बदले की भावना से महेश मेशराम की हत्या साजिश रचा कर कल रात महेश की बेरहमी से हत्या कर दी। इस वारदात से पूरे शहर में सनसनी फैल गई है। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र के लोग मौके पर पहुंचे। दुर्गापुर क्षेत्र अपराध की दृष्टि से अति संवेदनशील माना जाता है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। मृतक ने कुछ दिन पहले किसी को पीटा था, यही हत्या का कारण बताया जा रहा है। नए पुलिस अधीक्षक के सामने अभी चंद्रपुर के बढ़ते हुए अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। मृतक नाम है महेश प्रभुदास मेशराम, वो अंदाजे 31-32 वर्ष, राहणार मेजर गेट समोर रामनगर पुलिस स्टेशन च्या अंदर। याला रात्री साधारणतः 11:30 सुमारास काही आरोपींनी पूर्व वैमनस्यातून धारदार शस्त्रांनी वार करून त्याचा खून केलेला आहे। त्यात त्याचा जागीच मृत्यू झाला। दोन आरोपी तात्काळ ताब्यात घेण्यात आलेले असून इतर संशयितही चौकशीच्या अधीन आहेत, त्यांची चौकशी चालू आहे। बीसी न्यूज के लिए चंद्रपूर से संवाददाता की रिपोर्ट।